जय हिंद दोस्तों, मैं संदेश शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपनी इस नई वीडियो में द ह्यूमन लाइब्रेरी। दोस्तों, यदि हम लाइब्रेरी में बुक्स की जगह ह्यूमन बीइंग्स को इशू करा सकें अपने सवालों के जवाब देने के लिए, तो कैसा हो? इसी विषय में आज हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन लाइब्रेरी। दोस्तों, जो ह्यूमन लाइब्रेरी है ये कॉपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, यहाँ पे सन 2000 में शुरू किया बाय रॉनी एबरजेल, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। माइक फेस्टिवल में इन्होंने ये शुरू किया था। दोस्तों, इन्होंने एक ह्यूमन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और बेसिक जो इनका फंडा था कि कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका निकाला जाए जिससे कि लोगों के बीच में डायलॉग बढ़ सके, उनकी जो पूर्वाभास हैं, पूर्व विचार हैं, जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर इवेंट है, एक पर्टिकुलर पर्सन की किसी न किसी चीज़ के साथ एसोसिएशन के कारण जो हम ऑलरेडी एक ओपिनियन बना के रखे होते हैं, प्रेजुडिसेस जिसको बोलते हैं, वो या एक दूसरे को समझने का कोई जरिया बन सके, उसका इनोवेशन बना ह्यूमन लाइब्रेरी। बेसिकली ह्यूमन लाइब्रेरी कुछ लिविंग बुक्स की कैटलॉग है। लिविंग बुक्स मतलब वो ह्यूमन बीइंग्स जो लिस्टेड हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग बुक्स क्या होती हैं। और बेसिकली एक इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है ये, और कोई रीडर एक लिविंग बुक को 30 मिनट के लिए इशू करा सकता है, उससे सवाल जवाब पूछ सकता है और समझ सकता है। दोस्तों, इस तरह से होता है ये, एक एक इनमें से रीडर है और एक इसमें से ह्यूमन बुक है। दोस्तों, व्हाट इज ह्यूमन लाइब्रेरी, हम इसमें चल रहे हैं जी। इस तरह बन गया, एक रीडर एक बुक, एक रीडर एक बुक। नॉर्मल लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, रीडर होता है और उसके पास में एक बुक होती है जिसको वो पढ़ रहा होता है। यहाँ पर आप एक ह्यूमन बींग को पढ़ रहे होते हो, उसके एक पर्टिकुलर टॉपिक को। अभी तक ये 80 कंट्रीज में लाइब्रेरीज़ में, म्यूजियम्स में, या फेस्टिवल्स में, या स्कूल्स में अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। 1000 से ज़्यादा ह्यूमन बुक्स, 50 से ज़्यादा भाषाओं में इनके पास में कैटलॉग्ड हैं। दोस्तों, जो कन्वर्सेशन होती है, जो जिस इस तरह की जो बुक हम रीड करते हैं, वो लाइब्रेरी में हो सकती हैं, मीटिंग रूम्स में हो सकती हैं, या कोई डेजिग्नेटेड गार्डन्स होते हैं जहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट होता है बैठने और समझने का, वहाँ पे करते हैं। गोल जो है वो इसका, वो है कि जो स्टीरियोटाइप्स है, मतलब प्री फॉर्म्ड ओपिनियंस अबाउट समथिंग, उसको चैलेंज करना, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, उसको दूर करना एक दूसरे को समझ करके। जो भी बुक, ह्यूमन बुक, अपने आप को इसमें कैटलॉग करना चाहती है, उसको अपने बारे में एक समरी लिखनी पड़ती है कि वो किस एक्सपीरियंस से गुजरा या गुजरी है, और फिर उसको अपना एक टॉपिक देना पड़ता है। मान लो वो HIV पॉजिटिव है तो HIV पॉजिटिव दे देगा, अगर वो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट का विक्टिम है तो वो उस विक्टिम का नाम दे सकता है, या किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है वो लिख करके उसका एक टाइटल बना सकता है। दोस्तों, लिविंग बुक्स क्या होती हैं? ही इज़ ए लिविंग बुक, ये अपनी स्टोरी, अपनी बात इस रीडर को सुना और समझा रहा है। दोस्तों, लिविंग बुक्स आर पीपल हु आर सब्जेक्टेड टू सम डिस्क्रिमिनेशन और हार्शनेस इन लाइफ, ये वो ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ लाइफ में कुछ दुर्घटना या किसी तरह का बहुत गंदे किस्म का भेदभाव हुआ हो, और वो ओपन हो अपनी बातों को, अपनी एक्सपीरियंसेस को सबके साथ शेयर करने के लिए, और उनमें हिम्मत हो एक लिविंग बुक बनने के लिए कि आए कोई भी और उनको रीड करे, उनसे सवाल पूछे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे, उनकी सफलता या वो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं उसके बारे में पूछा जाए। दोस्तों, बहुत तरह की बुक्स की टाइटल्स हैं, जैसे एथिस्ट बुक टाइटल का मतलब हुआ कि हम इस बुक को अगर इशू कराएंगे, इस पर्सन से अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये बताएगा कि वो एथिस्ट है, वो किसी भी तरह की ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं करता, तो वो ऐसा क्यों है, वो किस चीज़ में विश्वास करता है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी चलाता है। ए टेल ऑफ लेस्बियन मदरहुड, ADHD, अल्कोहलिक, बाइपोलर। दोस्तों, बाइपोलर का आपको पता है, पिछले कुछ सालों में बाइपोलर के
बहुत सारे केसेस हुए, जो बहुत सारे सुसाइड्स हुए जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर कहा गया लोगों को। बाइपोलर में क्या होता है कि दो बहुत ही एक्सट्रीम तरह के इमोशंस के बीच में एक बंदा उलझ जाता है, जैसे कि कभी उसको बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम एक्साइटमेंट हो जाती है, और वो समझ नहीं पाता कि वो क्या है, और उस चक्कर में उसको वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा देता है। कन्वर्ट, किसी ने अपने आप को कन्वर्ट किया हो किसी फॉर्म में, तो उसके रीजंस आप जान सकते हैं। मॉलेस्टेशन बहुत तरह की होती है, HIV पॉजिटिव, कोई होमलेस पे कोई बुक है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, अनएम्प्लॉयड, फुटबॉल कोच। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी एक लेडी को जानता हूँ, वो बहुत ही यंग है, अभी अराउंड 30 ईयर्स की है, और उसने मुझे एक बार ये बताया था कि उसके साथ एक पिक्यूलियर इशू होता है, और वो ये होता है कि एक न्यूज़पेपर में अगर वो बाई चांस गलती से न्यूज़पेपर पढ़ ले और उसमें देखे कि कोई क्राइम हुआ है, तो वो विक्टिम के साथ में इतना एम्पेथाइज करने लग जाती है कि उसको ये लगता है कि वो सारी घटनाएं उसके साथ हुई हैं। तो शी इज़ बेसिकली ए एटर्नल एम्पेथाइजर, कि वो किसी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो उसके साथ एम्पेथाइज, तो दैट कैन बी टाइटल एटर्नल एम्पेथाइजर, कि वो कैसे इन सारे दुखों के बीच में रह करके, एंड आप उसको देखोगे तो लगेगा नहीं कि वो ऐसे, तो शी कैन बी ए बुक। इस तरह से बुक्स बनती हैं। दोस्तों ह्यूमन लाइब्रेरी इन इंडिया में क्या सीन है, अब जैसे ये जेंटलमैन है, ये एक ह्यूमन बुक का है और इसमें इन्होंने बुक का टाइटल दिया आई एम ए सिख। आप में से कोई भी एक सिख के बारे में जानना चाहता है तो इनसे पूछ सकता है, इनका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, वो सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हो। हमारे जो देश है दोस्तों, ये एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हमारे देश में हर थोड़े से किलोमीटर्स में जाने के बाद भाषा चेंज हो जाती है, रहन सहन चेंज हो जाता है, खान पान चेंज हो जाता है, रिलीजन, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद में चेंज होती चली जाती हैं। तो इसका हमारे देश का सोशल फैब्रिक को बहुत स्ट्रांग करने के लिए, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग करने के लिए ह्यूमन लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर इसको प्रमोट किया जा सके। दोस्तों हमारे यहाँ सबसे पहली ह्यूमन लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम इंदौर में शुरू हुई, फिर हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, सूरत, रोहतक और चेन्नई, इस जगह में हुई। दोस्तों चेन्नई में ये ऑनलाइन हुई थी थ्रू गूगल मीट, जिसमें 17 बुक्स थी और 150 रीडर्स थे। दोस्तों ये आज की डेट में जब ज़्यादातर लोग मोबाइल्स के साथ में एसोसिएटेड हैं, आपस में डायलॉग बहुत कम हो रहा है, तो इस तरह का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अंदर सिर्फ एक डिफ़िकल्ट चीज़ों को ही रखें कि जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। देयर कैन बी ए टॉपिक बुक लाइक एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट, कि वो हर सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी ढूंढता है, पॉजिटिव चीज़ देखता है, और एटर्नल हैप्पी पर्सन, ही कैन बी हैप्पी, तो दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, और उसके बारे में जानना, समझना, हाउ टू बी सक्सेसफुल, वन ऑन वन बातें करना, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, कैन देयर बी ए लिविंग सेल्फ हेल्प पर्सन, यू कैन बोरो दैट बुक, एक कैटलॉग बना करके, इट कैन बी ए वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर किड्स। दोस्तों मेन चैलेंज इसमें ये आती है कि पीपल विद द बेस्ट स्टोरीज मे नॉट बी बेस्ट स्टोरी टेलर्स, कि जिनके पास में बहुत अच्छी स्टोरी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे से उसको स्टोरी कह सकें। तो मुंबई ने एक इनिशिएटिव लिया है कि मुंबई की जो ह्यूमन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो कुछ महीने स्पेंड करते हैं उस बुक के साथ में, ताकि उस बुक को वो प्रिपेयर कर सकें, ताकि वो अपने रीडर को बहुत एंगेज कर सके और उसको सा उस एक कैप्टिवेटिंग मोमेंट बना के रखे, ताकि रीडर का इंटरेस्ट डेवलप हो उस बुक को रीड करने में। तो मुंबई उसमें टाइम इन्वेस्ट करती है कि हाउ टू टेल योर स्टोरी, व्हाट टू टेल इन योर स्टोरी, एंड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।